बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संगम शरणम गच्छामी। ओम बुद्ध एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नज़र आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज़्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा बुद्धा जी से, कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करी, तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उसमें, उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योर सेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्ट्रेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल फॉर द फ्री मास्टर क्लास, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इन्वाइट कीजिए। ओम बुद्धा, ओम बुद्धा। अटेंशन ऑल द हीलर्स, थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना ईजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क, लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स, जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे। महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें फ्री मास्टर क्लास के लिए, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इन्वाइट करें। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क, लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक, जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ,
मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी कैसी भी समस्या वो सॉल्व होती है तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से, और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास द हीलिंग मॉन्क, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इन्वाइट करिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। क्या आप भी चाहते हैं कि चुटकी बजाते आपके सारे काम हो जाएं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूँ वो मैं पा सकूँ, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूँ? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी हो चुका है, बहुत ईजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइव्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप, ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें फॉर फ्री मास्टर क्लास। अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जाने कि वो जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में, हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए जब उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क मास्टर क्लास। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें फॉर द फ्री मास्टर क्लास। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग। क्लिक नाउ टू रजिस्टर और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करिए, और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। ओम बुद्धा एवरीवन। आई हैव डन द हीलिंग बुद्धा कोर्स विद डॉक्टर लवीना मैम, and she has also been my first spiritual teacher in my spiritual journey. I had learned Reiki from Lavina ma'am. She is an excellent teacher. Unke concepts samjhane ka tarika bahut acha hai. She has a very sweet voice, and I came in contact with her after 3 to 4 years with this Buddha healing course. And mujhe lagta hai ki Buddha ji ki blessings milni thi mujhe, तो लवीना मैम के ज़रिए मुझे ये कोर्स मिला, एंड इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान, प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी। ऑल्सो आई हैव बीन गिविंग हीलिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स, एंड उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में। अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 month हुआ है उस हीलिंग को करते हुए, एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माय क्लाइंट। सो थैंक्स टू बुद्धा जी, थैंक्स टू लवीना मैम, एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ। यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो इन माई वर्किंग प्लेस, एंड
आई फील आई गेट हिज गाइडेंस एवरी टाइम व्हेन आई डू माय हीलिंग्स. एंड लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है. एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन वी डू दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया. एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग एंड इट्स वेरी गुड टू बी इन टच विद हर. सो आई वुड सजेस्ट एवरी वन टू डू दिस कोर्स. एंड एक बार आप बुधा जी की एनर्जी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए इस कोर्स के माध्यम से. एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है. एंड आप जब अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा इसमें. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू लवीना मैम, ओम बुद्धा एवरीवन. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव. हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग कोर्स किया और ये 4 दिन के इस कोर्स में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला. लवीना जी बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी गाइड हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें समझाया. और इन 4 दिनों में बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है. थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से सिखाया एंड आपके जरिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. ओम बुद्धा. बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि. मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके. उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनके उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए. क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स. उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया. तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ. तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ. और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई. क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना. मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए. थैंक यू. ओम बुद्धा. एवरीवन, मैंने लवीना मैम के साथ ये बुद्धा कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि काफ़ी सालों के बाद मैंने बुद्धा के एनर्जी के साथ दोबारा से ज्वाइन हुआ हूँ. तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि मुझे अपने अंदर एक एनर्जी, एक पावर, एक सोर्स, एक ये कॉस्मिक एनर्जी फील हो रही है जो हर पल मेरे साथ रखती है, और बुद्धा फायर और बुद्धा प्रोटेक्शन तो हमेशा मेरे साथ रहती है. थैंक यू मैम कि आपने मुझे इतनी अच्छा और इतनी अच्छी अच्छी तरीके से कोर्स करवाया है. थैंक यू मैम, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन एंड फाउंडर ऑफ हीलिंग मॉन्क. एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट कीप योर कैमराज ऑन. सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए जिससे कि आप क्लास में अटेंटिव रहें और जो भी हम एनर्जीज आपको दें वो आप तक पहुंच सके. तो हमारे फाउंडेशन में 35 कोर्सेज कराए जाते हैं, स्पिरिचुअल कोर्सेज कराए जाते हैं, बट जो जिस टेक्निक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द हीलिंग मॉन्क. हीलिंग यानी कि उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु. वो जो उपचार करने वाला साधु है हम सबके अंदर है. हम सबके अंदर भी बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट हैं, बट वी आर अनअवेयर ऑफ देम. हम उनको किस तरीके से अवेकन कर सकते हैं, किस तरीके से फास्ट हीलिंग कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी एक हीलर हैं, रेकी मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो आपके लिए मस्ट कोर्स है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा. अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं. यही ब्यूटी है इस कोर्स की. अगर कोई भी
स्टार्टिंग कोई कर रहा है ऑकल्ट में वो भी कर सकता है, कोई मीडियोकर है वो भी कर सकता है, और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है वो भी कर सकता है। एंड टुवर्ड्स द एंड आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में हमारे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले द हीलिंग मॉन्क कोर्स इज टोटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा, गोल्डन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा। जब हम बुद्धा जी का फेस देखते हैं तो फेस देखते ही कैसा लगता है, मन एकदम शांत हो जाता है। अगर कोई कितने भी प्रॉब्लम में है, कितने भी उसको स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बट एकदम से मन शांत हो जाता है। तो जब हम इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। मिरेकल्स होते हैं। 1-1, 2-2 क्लासेस में, सिर्फ क्लासेस में ही आप अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे आपके साथ मिरेकल्स होंगे। और जब आप कंप्लीट हीलिंग कर लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो 100% क्योर आपको मिल ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक मेडिटेशन ऑफ द हीलिंग मॉन्क। आपके स्क्रीन पे पिक्चर है मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा, लैपिसुली एनर्जी है इनकी, और इनको औषधि का खजाना बोला जाता है। इनके हाथ में नेक्टर है, अमृत है। अब सबसे पहले हम एक छोटा सा बेसिक मेडिटेशन करेंगे, गेजिंग करेंगे। सबसे पहले आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे, फिर ओपन करेंगे, ब्लिंक करेंगे, फिर ओपन करेंगे, ब्लिंक करेंगे, फिर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आईज ब्लिंक करेंगे, ओपन करेंगे, एंड कॉन्टिन्यूअसली इनके थर्ड आई पे हम गेज करेंगे, दोनों आईब्रोज के बीच में इनके थर्ड आई चक्रा पे हम गेज करेंगे। कॉन्टिन्यूस इनके थर्ड आई पे देखेंगे, गेज करेंगे कुछ देर। आईज क्लोज करेंगे, आईज क्लोज करेंगे अपने थर्ड आई पे, अपने थर्ड आई पे विजुलाइजेशन करेंगे मेडिसिन को। ध्यान अपनी ब्रेथ पे लेकर जाएंगे, स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। जस्ट कंसेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। बॉडी में होने वाली एनर्जीज पे, वाइब्रेशंस पे वो महसूस करेंगे। वट एवर थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, लेट इट कम एंड गो। और मेडिसिन बुद्धा को अपने हर चक्रा पे विजुलाइज करेंगे। कुछ देर अपने सारे चक्रास में विजुलाइज करेंगे और अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे।
बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे और जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी को विजुलाइज करेंगे अपनी पूरी बॉडी में, अपने हर चक्रास में, साथ साथ चैंटिंग करेंगे ओम बुद्धा 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 ओम बुद्धा। Keep on chanting Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha. Body में होने वाली energies को, vibrations को महसूस करेंगे। Keep on surrendering continuously to Buddha. आपके life के जो भी issues हैं, problems हैं, dreams, desires हैं, continuously surrender to Buddha. मंत्र चैंट करेंगे सब तेज आवाज में, मनी मन बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, अहं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संगम शरणं गच्छामि।
कॉन्टिन्यूसली सरेंडर टू बुद्धा, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, व्हाटएवर इज हैपनिंग लेट इट हैपन। बॉडी में अपने ऑरा में लॉर्ड बुद्धा मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी को देखिए, फील करिए, अलग अलग कलर्स एनर्जीज आपको फील होंगी, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे कि कुछ फील हो, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना बढ़िया है। Keep on chanting Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha. दो हैंड्स हार्ट चक्रा पे क्रॉस करेंगे विद द इंटेंशन, जो भी एनर्जी हमें मिली है, रिसीव हुई है, वो हमें डे टू डे लाइफ में काम आती रहे, ताकि एनर्जीज इंक्रीज हो। हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, स्लोली स्लोली ओपनिंग ईयर्स। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक्सपीरियंस आप एंड में शेयर कर सकते हैं, यू विल गेट टाइम। अब हम जानते हैं कि आजकल के टाइम में वर्ल्ड किस टाइप के इश्यूज फेस कर रहे हैं और हम सब आसपास किस टाइप के इश्यूज फेस कर रहे हैं और उसको किस तरीके से हम हील कर सकते हैं। सो नाउअडेज द वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी। बहुत ज्यादा आजकल नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये एक आम लैंग्वेज बन गई है कि बहुत डिप्रेशन सा हो रहा है, स्ट्रेस हो गया है, और ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम ट्रीट करी जाती है, इसको मेजर प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होती। The stress of growth and work, desire and craving for money, dissatisfaction and frustration have a significant impact on your thoughts. तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है वर्क का, बहुत ज्यादा वर्कलोड है उसका स्ट्रेस, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे उसका स्ट्रेस है, डिजायर्स बढ़ते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, इनकम, स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं इनकम तो कम हो रही है बट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है लाइफ से, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव भी सोचने की कोशिश करते हैं तो फिर भी आप यू टेंड टू बिकम नेगेटिव, उससे क्या हो रहा है, एक माइंड नेगेटिव होता जा रहा है, और डे टू डे लिविंग बहुत हार्ड हो गई है, डे टू डे लिविंग कोप अप करना बहुत मुश्किल हो गया है, एंड दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम अपनी लाइफ ही एंड कर लें, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको रोज न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टेलीविजन में देखने को मिलेंगे हेडलाइंस, डिप्रेशन, सुसाइड टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस। तो ये बहुत ज्यादा मेजर इशू बन चुका है, और जैसे जैसे ये नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, सब जगह पूरा वर्ल्ड नेगेटिव होता जा रहा है, हम अपनी ह्यूमैनिटी लूज करते जा रहे हैं, एंड वी आर लैक ऑफ
काइंडनेस, और हमें खुद नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस, एंड एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। और क्या हो रहा है, जब हमारा माइंड नेगेटिव है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन है, तो क्या हो रहा है, आप सामने जो भी आपके लव वंस होते हैं, नियर एंड डियर वंस है, वो सारा वो जो पेन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन, फाइट, वो होने लग जाती है। तो वो क्या हो रहा है, इन रिटर्न सब टॉक्सिक होता जा रहा है, और इन रिटर्न हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं, हम अपने आप को ही इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, इन रिटर्न हम अपने आप को हार्म करते हैं, नेचर हार्म हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं। तो जस्ट सोचिए कि आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा, जस्ट क्लोज योर आईज, और ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले 10 years, 20 years कैसे रहेंगे, एंड व्हाट वी आर लीविंग फॉर द किड्स। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, क्या इतना सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स। तो उस टाइम सोचिए, जब इतना टॉक्सिक वर्ल्ड अभी है, तो 10 or 20 years के बाद क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सो व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरीथिंग, और हीलिंग भी ऐसी हीलिंग चाहिए हमें जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस को बिल्कुल रिलीज कर दे, और बहुत फास्ट हीलिंग मोडालिटी है वो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम हम हीलिंग मोडालिटीज, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज तो हमें आती हैं, करते हैं, बट इतना टाइम नहीं है, 1 hour नहीं है, 1.5 hours नहीं है कि उसको बैठ के हम हीलिंग कर सके, बिकॉज लाइफ सबकी बहुत ज्यादा बिजी हो गया, एवरीवन इज वेरी बिजी इन देयर लाइफ। तो कुछ ऐसी हीलिंग मोडालिटी हमें चाहिए जिससे बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट हमें हीलिंग मिल सके, जिसका नाम है द हीलिंग मॉम। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि बहुत ज्यादा जेलेसी है, स्ट्रेस है, जहाँ पे वर्क करते हैं आसपास नेबर्स को लेके ईविल आए है, तो उससे कैसे प्रोटेक्शन लेना है। ये ऑलरेडी अगर आप हीलिंग्स में है तो लोगों की नेगेटिविटी हम कैच करते हैं, तो उसका आंसर है बुद्धा फायर, जिस जो आप हीलिंग मॉन्क में सीखेंगे अभी टूवर्ड्स 1 year में, 1 hour में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। If you're going through same situation again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, अगर आप same situation से जा रहे हैं बार 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 बार, उसी relationship में बार बार आप abusive relationship हो रहा है, या breakups हो रहे हैं बार बार, same अलग अलग person से मिल रहे हैं, तो same situations create हो रही हैं, तो क्या है, उसको हमें negative patterns को break करना है, जिससे कि हमारी life हैप्पी हो सके। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में है आप, अगर पार्टनरशिप में है, और अगर किसी ने आपको डिच दिया है, तो आपके अंदर एक फियर बेस्ड एनर्जी आ जाती है, कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, और बार बार जब आप वो सोचते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो जाए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एनर्जी पिक करता है, और वैसा ही होता रहता है। तो उन पैटर्न को भी हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉम। होम कॉन्फ्लिक्ट है, डिसरिस्पेक्ट है, आप बाहर सब कुछ सही है, या स्ट्रेस में है आप, बट आप बाहर नहीं बोल सकते, बट जैसे ही घर में आता है पर्सन, तो फाइट, क्वारल स्टार्ट हो जाती है, रिलेशनशिप इश्यूज स्टार्ट हो जाती है, मनी वेल्थ इश्यूज आती होती हैं, और ऐसा लगता है लाइफ जैसे पर्पसलेस ही आप लाइफ जी रहे हो। डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन एक बहुत कॉमन इशू हो गई है, और उससे क्या होता है, इन रिटर्न एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड हो रही हैं, सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, एंड पीपल आर नॉट एट ऑल हैप्पी। सबसे ज्यादा आपको इमोशनल जो ट्रॉमा है वो ब्रेक करता है, एंड उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो आप किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड लोगों से डिस्कस कर सकते हो, और जो दिखती भी नहीं है, बट इट इज अ मेजर इशू। So if you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या आपके आसपास लोग, या आप लोगों को हील करना चाहते हो, अपने क्लाइंट्स को हील करना चाहते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को, खुद को हील करना चाहते हो, और इस प्रॉब्लम से, इस विशेष सर्कल से बाहर निकलना चाहते हो, और ऐसा लगता है लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, कोई और सॉल्यूशन, कोई और रास्ता मिल नहीं रहा, तो दिस इज एन एंड।
इट इज एन एंड ऑफ ऑल योर सफरिंग्स पेन्स एंड अ बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट. Just wait, a little network issue. Is this audible? Is this audible? Just show me a thumbs up. Is this audible? Good. सो शोइंग यू फ्यू रिजल्ट्स, अगर इनकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आ सकता है तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ सकता विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉम. आपके लाइफ में भी अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप इसको अपने साथ रिलेट कर सकते हैं और डेफिनेटली यू कैन गेट हील्ड. सो अगर आप भी किसी भी ऐसे मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, छोटी छोटी चीजों को मन पे लगा लेते हैं और उसको सोचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, डे बाय डे आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाती है. और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारी बॉडी में ऐसे कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, तो उन उन पार्ट्स में हमें इशू होनी शुरू हो जाती है, तो उनको हम हीलिंग मॉम से क्लियर कर सकते हैं. सो अगर आपका भी कोई एग्जाम है, आपके चिल्ड्रन का कोई एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको आप क्रैक करना चाहते हैं, तो हीलिंग मॉम इज फॉर यू.
कोई भी इमोशनल इशू है, फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इमोशनल इशू कैन बी हील्ड वेरी फास्ट विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मोड. फाइनेंशियल अबंडेंस, कोई क्रंच है या ब्लॉकेज है, आप ग्रोथ चाहते हैं, जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू. एंड वन मोर थिंग, दीज ऑल रिव्यूज आर रियल स्टूडेंट्स रिव्यूज ड्यूरिंग क्लासेस के बीच में ही दीज आर रिकॉर्डेड. सो अगर इनकी लाइफ में इतना मेजर चेंज आता है, जैसे अभी इन स्टूडेंट ने बताया, एक दिन में ही हीलिंग के सिर्फ क्लास के ड्यूरिंग इन्होंने हीलिंग करी थी और इनको इतने अमेजिंग रिजल्ट आए कि लीड्स आने शुरू हो गए इनको अपने क्लाइंट्स की, तो ऐसे रिजल्ट्स आपको भी मिल सकता है. और ये एक ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ चैनल्ड कोर्स बाय लॉर्ड बुद्ध हिमसेल्फ. और आप सब लोग ब्लेस्ड हो जो आज आप क्लास में हो और आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है. सो 7 days में इनको रिजल्ट आया कि इनका जो शोल्डर पेन है दैट इज गॉन. सो दिस इज ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. अब मैं आपको इसके बारे में फर्दर बताना चाहती हूँ, एक कोर्स किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं. जस्ट वेट, सम काइंड ऑफ टेक्निकल इशू आई थिंक. वेट,
आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द मैसेज एंड आई विल रिप्लाई यू ऑल. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आप इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, एंड बेसिकली जो अदर हीलिंग मोडालिटीज हैं उसके साथ भी आप इनको क्लब कर सकते हैं. तो कोई भी चीज आपके ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको रेकी आता है, लामा फेरा से बहुत अलग है. मेनी पीपल कंफ्यूज इट विद लामा फेरा बिकॉज वो लॉर्ड बुद्धा की टेक्निक है. लामा फेरा भी लॉर्ड बुद्धा की टेक्निक है, बट लामा फेरा से भी ये बहुत एडवांस टेक्निक है. एंड लामा फेरा के साथ कैसे क्लब कर सकते हैं, इसको रेकी के साथ कैसे क्लब कर सकते हैं, हर चीज में आपकी वैल्यू एड करेगा. टैरो कार्ड्स आप चार्ज कर रहे हो तो आप हीलिंग मॉन्क की एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज सारी एनर्जीज जितनी भी, इवन रेकी भी महायान वज्रयान बुद्धिज्म से ही आया है. ड्यूरिंग द रिसर्च हमें ये पता चला जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं वो सब महायान वज्रयान से आया है. बुद्धिज्म थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, महायाना, वज्रयाना एंड हीनयाना. तो महायाना में बोला जाता है कि हम खुद बुद्धा बन सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हमारे अंदर वो एनर्जीज हैं, हम खुद बुद्धा हैं, बस हमें उन पावर्स को अवेकन करना है और हम एनलाइटनमेंट पा सकते हैं. और वहीं पर सारा हीलिंग मोडालिटीज का जिक्र है और हीलिंग मॉन्क इज द रूट. तो स्पेसिफिक चीजें जो आपको जरूरत है हीलिंग के लिए, ग्रेट हीलर मास्टर बनने के लिए, वो आपको सारी टीचिंग्स हीलिंग मॉन्क में मिलेंगी. और उसके साथ जो जो आप आता है आपको ऑलरेडी आपने करा हुआ है उसको हम एड ऑन कर सकते हैं. तो इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले व्हाट इज एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपको एनलाइटनमेंट बताना चाहती हूँ. एनलाइटनमेंट मीन्स आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, ये वर्ड्स तो हम सबको पता है, बट एनलाइटनमेंट मीन्स जहां पर सारा दुख, दर्द, पेन, इश्यूज कम नहीं खत्म हो जाते, कंप्लीटली फिनिश हो जाते हैं. आप जब आईज क्लोज करते हैं तो अंधेरा दिखता है, डार्कनेस दिखता है, और जब आप हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक अलग शिफ्ट, अलग कलर्स, अलग एनर्जीज दिखने लग जाएंगी आईज क्लोज करते ही. तो दैट मींस आपका एनलाइटनमेंट स्टार्ट हो गया है या आप एनलाइटन हो चुके हैं. तो वो जो डार्कनेस है, डार्कनेस से टूवर्ड्स लाइट जब हम जाते हैं वहां पर सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ में कोई भी इशू नहीं है. उसी स्टेट को हमें अचीव करना है. मेडिटेशन सीखेंगे इसके अंदर हम. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो कहते हैं हम 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, 15 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, बट हमारा ध्यान नहीं लगता या हमें विजुअलाइजेशन नहीं होता या हमें बहुत प्रॉब्लम होती है मेडिटेशन में बैठने में. तो सेकेंड डे ही उन स्टूडेंट्स का ध्यान लगने लग जाता है. सिद्धार्थ गौतमा कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है. थर्ड डे हम सीखते हैं बुद्धा फायर. बुद्धा फायर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन. जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम रेकी करते हैं उस पर्सन की हमें नेगेटिविटी आ जाती है, प्रोटेक्शन नहीं हो पाती सही से, या हमें डीप प्रोटेक्शन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो सब हमें बुद्धा फायर से मिलता है. डीप क्लिंजिंग होती है हमारी. चक्रास क्या है, इनकी पूरी डिटेल्स, अगर आपको ऑलरेडी चक्रास के बारे में पूरी नॉलेज है पर फिर भी आपकी लाइफ में ये वैल्यू एड करेगा बिकॉज इसमें बहुत सारी हम चीजें ऐसी सीखने वाले हैं. कुंडलिनी एनर्जी के बारे में सीखेंगे. कुंडलिनी एनर्जी इज द सुप्रीम एनर्जी. इसके बारे में अभी हम सीखेंगे क्लास में, आपको बताया जाएगा. तो इसमें आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन भी होगा विद योर अट्यूनमेंट. आपका अट्यूनमेंट होगा जिससे आपकी कुंडलिनी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा. दैट इज द सुप्रीम एनर्जी. चार्ट आपको मिलेगा रूट चक्रा और क्राउन चक्रा का, और किस किस तरीके से, लाइक वी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम 35 डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज भी कराते हैं. तो सब हीलिंग मोडालिटीज के साथ हम किस तरीके से रूट चक्रा और क्राउन चक्रा को अवेकन करते हैं जिससे हमारी कुंडलिनी को और बूस्ट मिले, पूरा आपको डिटेल आएगा 11 डेज में, क्योंकि 11 डेज की क्लासेस हम वी कैन नॉट सम अप इन 1 आवर. सो दैट इज अ 11 डे कोर्स. अर्थ हीलिंग हम सीखेंगे, हीलिंग अदर्स, डिस्टेंस हीलिंग, एवरीथिंग विल लर्न इन लेवल 1 ओनली. अट्यूनमेंट, सेल्फ हीलिंग होगी आपका इनिशिएशन, सेल्फ हीलिंग एंड मच मोर. और भी बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. इससे रिलेटेड आपका किसी का भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस. सो द हीलिंग मॉन्क 11 डेज लाइव क्लासेस होंगी आपकी गूगल मीट पे. जैसे अभी आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो आपकी लाइव क्लासेस होंगी. हर क्लास के बाद आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा कि जो भी आपका डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम है, क्वेरी, आप हैंड टू हैंड उसको क्लियर कर सकते हैं.
और साथ में ये जो कोर्स है दैट इज फॉर 11,111 बट राइट नाउ इट्स ओनली फॉर 11,111 प्लस GST बिकॉज बुद्धा जी चाहते हैं हर किसी को मिले और हर कोई इसको इजिली कर पाए, इसीलिए सिर्फ अट्यूनमेंट का आपसे एनर्जी एक्सचेंज लिया जा रहा है. एंड यू विल गेट फ्री बोनस ऑल्सो एंजल थेरेपी, कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे प्लस वन क्वेश्चन टैरो लाइव होगा आपका, वो अभी आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, आपके पर्सनल इश्यूज भी इसमें हील होंगे. 17,000 का वर्ड बोनस आपको मिल रहा है, साथ में सारी लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है. सो ओनली 11,111 प्लस GST आप एनरोल कर सकते हैं. अभी आपके ग्रुप्स में भी लिंक आ गया है, QR कोड आ गया है, उससे पे करके आप अपनी सीट को रजिस्टर कर सकते हैं. 1st of May 2024 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, टाइम इज 4 to 5 PM ISG, और किसी वजह से अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे ड्यू टू योर शेड्यूल तो उसका आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मिलेगा और अपने टाइम के अकॉर्डिंग 24 आवर्स में कभी भी आप उसको कर सकते हैं. सो दिस इज द QR कोड, इसको स्कैन करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस ब्यूटिफुल हीलिंग मोडालिटी. योगेश आपको फीस ऑलरेडी बता दी है, दैट इज 11,111 प्लस GST. ओम बुद्धा. राधिका ऑलरेडी टोल्ड यू कोर्स ड्यूरेशन इज 11 days एंड फीस इज राइट नाउ ओनली 11,111 दैट इज 1,111. That is also a Buddha number plus GST. So you will get lots and lots of Buddha blessings, जिससे आपका root chakra भी awaken होता है. Radhika, how can we use this with other modalities of healing? Yes, definitely you can use it. और आपको कैसे use करना है? When we'll do the kriya, जब हम 11 days के during kriya करेंगे, that is the self healing, healing monk की, तो उसके साथ ही आपको कैसे कैसे एनर्जीज को क्लब करना है, जिससे कि आपको अलग अलग टाइम ना देना पड़े, अलग अलग मोडालिटी को एक साथ क्लब करेंगे और देखेंगे जो आपको रिजल्ट्स आते हैं ना पहले से बहुत फास्ट आने लग जाएंगे. अगर आपको हीलिंग का रिजल्ट 3 months में आता है तो आपको 15 दिन में ही प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी, इतना फास्ट रिजल्ट आता है इसका. और ये मैं नहीं बोल रही, ये सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स किया है एंड देयर आर नंबर एंड नंबर ऑफ फीडबैक्स. You can check our YouTube channel, Tarot with Dr. Lavina Gupta. You'll get all the reviews of all the students. Nitika, attunement if... your question is not clear. Attunement pehle hai to... Attunement aapko bata diya jayega. Jis din aapka attunement hoga, us din aap attend kar sakte hain. Aur aap usko recording se bhi kar sakte hain. That's perfectly fine. Dream curves body, you can please message. आप message कर सकते हैं और किसी का कोई question है तो आप message कर सकते हैं and then we'll proceed further. If attunement done previously, okay, you are asking, I think Nitika, कि attunement अगर पहले हुआ है तो no issues. I learned Reiki. Yes, definitely you can take attunement. Reiki आपने करा हुआ है, attunement लिया हुआ है, no issues. वो आपकी powers को और plus कर देगा. Plus इसमें जो आपको attunement मिलेगा, कुंडलिनी initiation मिलेगा आपको, कुंडलिनी energy को boost मिलेगा. तो आपने already Reiki करा है, जो भी healing modality करी है, जो भी attunement दीक्षा ली हुई है, वो उसकी powers को और add कर देगा. Now a short story of Lord Buddha. Lord Buddha, जिनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ, वो एक नॉर्मल तरीके से उनका बर्थ हुआ और जब ये पुरुष से महापुरुष की इन्होंने जर्नी तय करी, तो जब ये कर सकते हैं
मैं कर सकती हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको भी वो पावर्स मिल सकती हैं, बिकॉज सब कुछ आपके अंदर ही है, बस आपको उसको ताले में बंद है सारी एनर्जीज, उसको ओपन करने की जरूरत है. एन एंड ऑफ अ बिगनिंग, सो एंड है यहाँ पर सारे दुख दर्द प्रॉब्लम्स का, इश्यूज का अंत है. और जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा. जब तक लाइक आपको बोला जाता है, जब आपके सामने छोले भटूरे हैं और अगर आप उसको जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा उसका टेस्ट. कोई कहेगा कड़वा है, खट्टा है, तो जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे हीलिंग मॉन्क का, उस एनर्जी का, यू वोंट बी एबल टू सी कि क्या उसका एनर्जी है. तो आई विल सजेस्ट यू, यू मस्ट ज्वाइन लेवल वन. और आपको अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल्स ऑल्सो. देर आर टोटल 4 लेवल्स एंड यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क. तो सिद्धार्थ गौतमा, लॉर्ड बुद्धा, जिनका बर्थ हुआ था 623 BC में फेमस गार्डन्स ऑफ लुम्बिनी में. बहुत सारी स्टोरीज, लेजेंड्स सराउंडेड है उनके बर्थ से, सिद्धार्थ गौतमा के. माया जो उनकी मदर है सिद्धार्थ गौतमा की, इज रिपोर्टेड टू हैव ड्रीम्ड दैट अ लवली वाइट एलिफेंट हैड प्लेस्ड अ लोटस ऑन हर हैंड. उनको ड्रीम आया कि उनको एक बहुत सुंदर सा वाइट एलिफेंट दिखा विद अ वाइट लोटस, एंड शी वॉज अवेयर दैट शी वॉज प्रेगनेंट. जैसे ऐसा जो लोग साइकिक होते हैं, जो ऑलरेडी इंट्यूटिव होते हैं या इस फील्ड में है ऑकल्ट में, ऐसा उन लोगों के साथ आम होता रहता है. तो यू कैन रिलेट कि जो पहले होने वाला है वो आपको ड्रीम्स में दिख जाता है. द बॉय हैड अ लवली एंजेलिक प्रेजेंस आफ्टर हिज बर्थ. उनका जब बर्थ हुआ बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस था और उनका जो बर्थ है फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट हुआ था. बहुत सारे सेजेस, होली इंडिविजुअल्स आए थे उनको ब्लेसिंग देने के लिए. एक फेमस सेज आए, एक संत आए, महात्मा एस्ट्रोलॉजर आए, और उन्होंने उनका हॉरोस्कोप देके बताया कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे, आपसे भी बड़े राजा, तो उनके फादर तो बहुत खुश हुए ये सुन के, या फिर ये बहुत ही रेनाउंड स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, बहुत ही बड़े संत बनेंगे. तो वो सुन के उनके फादर बड़े चिंतित हुए कि अरे ये अगर संत बन जाएंगे तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा. The young boy interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. But उनको बहुत interest आता था जब वो ध्यान करते थे, साधना करते थे, meditate करते थे, तो वो उसी रास्ते पे spiritual path पे ही आगे बढ़ते जाते थे. But जब ये उनके father देखते थे तो उनको बड़ी चिंता होती थी और उनको बार बार वो astrologer की बोली हुई बात याद आती थी. He had mastered various forms of meditation. उन्होंने बहुत सारे meditation के techniques को master कर लिया था और बहुत बहुत देर तक, कई कई घंटों तक, कई कई दिन तक बिना कुछ खाए पिए वो ध्यान में ही रहते थे. Siddhartha's father Suddhodana felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब उनको एक ही रास्ता सूझा कि इनको महल के अंदर, पैलेस के अंदर आइसोलेट करा जाए और जो भी चीजें अनअट्रैक्टिव हैं, डिसएग्रीएबल हैं, जिनसे भी पेन दिखता है, उन चीजों से उनको बचा जाए, उनको बचाया जाए, प्लस उनको लग्जरी में ही ग्रीव करा जाए. Siddhartha's father hired a war expert. Siddhartha के father ने एक war expert को hire किया जिससे कि उनको वो skills teach कर सके, एक warrior की skills को teach करा जा सके और उनको spiritual रास्ते से दूर करा जा सके. At 16, Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara. और 16 ईयर्स की एज में उनकी मैरिज करा दी गई यशोधरा से, जिनका जिससे उनका जो ध्यान है स्पिरिचुअल रास्ते से हटे और देन लेटर दे वेलकम दे सन राहुल. और बहुत ही लैविश तरीके से उनकी मैरिज कराई गई. After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी कभी भी, तो उन्होंने अपने सारथी को बोला कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है. और कोई भी थ्रेट्स उनके फादर ने नोटिस नहीं किए थे, बिकॉज ही इज अ हैप्पी
मैरिड मैन विद अ लवली सन, और उनको लगा अब तो ये सेटल हो गए हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। बट उन्होंने अपने सारथी को बोला कि मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। अब यहां से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। ड्यूरिंग हिज जर्नी ही विटनेस्ड एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी एंड अ मॉन्क। अब उन्होंने अपनी जर्नी में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक मॉन्क को देखा। तो उन्होंने सब पूछा अपने साथी से, ये सब कौन है? तो उन्होंने बोला जो भी इस लाइफ में आया है उसको जाना है, ओल्ड एज सबको आनी है, ये सबके साथ कॉमन है। और जो भी लाइफ में आया है, कोई भी बीमार हो सकता है, किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है, इट्स वेरी नेचुरल। देन उनको अवेयरनेस आई कि कितना पेन है और हर पर्सन की लाइफ में कितना दुख दर्द है, पेन है, और उसको कितनी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। और फिर उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो कि एक पेड़ के नीचे बड़े शांत होकर ध्यान लगा रहे थे, वो भी कुछ देर बैठे उनके साथ, उन्होंने भी ध्यान करा और उनको बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही साइलेंस में वो चले गए। जब से उन्होंने वो सब देखा, एक ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, जब से वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे और वो नए नए वेज ढूंढते रहते थे अपने माइंड को रिलैक्स करने के, और वो वापस आए जब अपने महल में, कैस्टल में, तो देखा सब लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं। बट उनको वो दुनिया नहीं चाहिए थी, वो बार 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 वो टेक्निक्स ढूंढते रहते थे जिससे अपने माइंड को वो रिलैक्स कर सकें। एंड ही फाइनली मेड द डिसीजन टू अबैंडन एवरीथिंग। सबसे ज्यादा उन्होंने फाइनली एक डिसीजन बना लिया कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है और इस सर्च में ही निकलना है फॉर इटर्नल रेमेडी टू दिस सफरिंग इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू इट, जिससे कि ये जो सारे दुख दर्द हैं कम नहीं बिल्कुल खत्म किए जा सके। उस रेमेडी की खोज में वो बाहर निकल गए और उन्होंने एक फाइनल गुड बाय करा अपनी अपने वाइफ को और अपने सन को। एंड इट इज अ मेटामॉर्फिक इमेज जिसमें दर्शाया गया है जैसे ही वो बाहर आए इस रेमेडी के लिए बहुत ही उनको गाइडेंस दी गई एंड सब देवी देवता, गॉड गॉडेसेस आए और उनको ब्लेस किया। ही सैंक कंप्लीटली इनटू मेडिटेशन, हिज सर्च डिडंट बिगिन फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम विद इन। और वो कंप्लीटली मेडिटेशन में आ गए और उनका सर्च कहीं बाहर से नहीं बट अपने अंदर से शुरू हुआ। ही फाउंड अ न्यू ट्रू सेल्फ इन हिम व्हेन हिज बैरियर्स वर रिमूव डे बाय डे। डे बाय डे जैसे जैसे उनके बैरियर्स रिमूव होते गए, उनकी कंडीशंस ब्रोक होती गई और उनकी ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती चली गई। जैसे शुरू शुरू में हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बैठा नहीं जा रहा, मैम खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, मैम पैर सुन हो गए, तो शुरू शुरू में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट उनके साथ भी हुए, बट वो सब धीरे धीरे डिसअपियर होते चले गए। He has undergone numerous examinations. बहुत सारे टेस्ट होते हैं, examination होता है, because ये जो journey है that is not that simple, इतना easy नहीं है, because हम अपने आप को heal कर रहे हैं, अपने chakras को heal कर रहे हैं, अपनी कुंडलिनी energy को boost दे रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे टेस्ट भी होते हैं हर एरिया पे हमारी लाइफ में, हर जगह हमारे टेस्ट होते हैं। तो जो भी टेस्ट थे वो उनको क्लियर करते चले गए, डिस्पाइट लस्ट, ग्रीड, attempting to take control on his head, entice him back into the worldly pleasure, but they were ineffective. जैसे कि पहले के टाइम पे दिखाया जाता है कि अप्सरा आती हैं और उनको रिझाया जाता है, बट उन सब टेस्ट को वो क्रॉस करते चले गए और वर्ल्डली प्लेजर से ऊपर उठते चले गए, वो सब चीजें उनके ऊपर इनएफेक्टिव होती चली गई। तो when he eventually opened his eyes after several days, he was so framed that his bones were visible. तो जब उनको enlightenment मिला, जैसे ही उन्होंने eyes open करी, तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल bones उनके visible थी, बहुत ही हड्डियों के ढांचे हो गए थे। And जैसे ही उन्होंने enlightenment उनको मिला, तो उनका first action था कि requested nourishment, उन्होंने खाना मांगा। तो एक बहुत ही डिग्निफाइड लेडी आई और उनके पास खीर लेकर आई और उन्होंने बेग किया कि आप मुझे बस ब्लेस कर दीजिए और मेरी सारी सफरिंग्स को हर लीजिए। सो ही फाइनली गॉट ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस।
तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट गॉड, कि मैं भगवान नहीं हूँ, एंड आई एम ओनली एनर्जी, और हम सब एनर्जी हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या हम मुस्लिम रिलीजन से हैं, क्या हम क्रिश्चियन से हैं, कैन वी डू हीलिंग मॉन्क? यस, हीलिंग मॉन्क इज एन एनर्जी, और वो एनर्जी हम सब के अंदर है। जैसे उन्होंने बोला मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एनर्जी हूँ, और हम सब एक एनर्जी बींग्स हैं, और वी आर ऑल सराउंडेड बाय एनर्जी। और हम सब कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? लस्ट से, पेन से, डिजायर से। सबके अपने अपने लस्ट है, पेन है, डिजायर्स हैं। एंड द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। उनका पहला संदेश था रूट कॉज क्या है सब पेन की, अटैचमेंट। कि डिटैच अटैचमेंट होनी चाहिए, ही साइलेंस्ड एवरीवन। जहां पर इमोशंस है वहीं पे ही पेन है। द रियल जर्नी ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ बिगिन फ्रॉम देयर। Once he was a young married boy, Siddhartha went to a quest, and now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो real journey Prince Siddharth की वहीं से start हुई। जब वो young थे, he was a his name is boy Siddharth, but now when he is grown, जब उनको enlightenment मिल गया, उनको Buddha बोला गया। बुद्धा मीन्स, बुद्धा उनका नाम नहीं है, बुद्धा मीन्स द पर्सन हु इज अवेकेंड। अवेकेंड मीन्स फ्रॉम द स्लीप ऑफ इग्नोरेंस। जो वो अंधकार है, अंधकार से उजाले की तरफ। हम सबके अंदर कुंडलिनी एनर्जी होती है, और जहां पर भी आपको ये इमेज दिखती है, इसका मीनिंग होता है कुंडलिनी एनर्जी। बिकॉज ये जो सर्पेंट है, ये कोबरा है, हर पर्सन के अंदर है, रूट चक्रा में सो रहा है, स्लीपिंग पोजिशन में है। और जब आपका हीलिंग मॉन्क से इनिशिएशन होगा, ये जागना शुरू कर देगा। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जब ये अवेकन होना शुरू हो जाता है, हो सकता है आप में से भी किसी का हो रहा हो। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जब आपके रूट चक्रा पे कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपेंशंस होने शुरू हो जाते हैं। इट्स लाइक अ हार्ट बीट। जब हार्ट बीट जैसा फील होने लग जाता है, जैसे दिल धड़कता है, तो आपके रूट चक्रा पे आपको फील होगा कि दिल धड़क रहा है। और भी बहुत सारे वेज होते हैं, इसका मतलब रूट चक्रा पे कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होना शुरू हो गई है। और जब कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाती है, ये पूरा इस तरीके से सर्पेंट के फॉर्म में आ जाता है, फ्रंट तक, थर्ड आई तक। और जब ये अवेकन होने लग जाता है, जिस जिस चक्रा से ये क्रॉस करता है, उस चक्रा की प्रॉब्लम कम नहीं खत्म हो जाती है। तो चक्रा सिद्ध हो जाता है। यानी कि अगर रूट चक्रा पे है, तो रूट चक्रा हमें स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, अबंडेंस देता है, बेसिक नीड्स जो है, स्टेबिलिटी है, वो आपको हमेशा के लिए वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे। सेक्रल पे आ गया, तो हमेशा के लिए रिलेशनशिप इश्यूज फिनिश हो जाएंगे। सो दिस इज एनलाइटनमेंट, व्हाट यू गेट फ्रॉम हीलिंग मॉन्क। एंड इस कोर्स के बारे में, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, इट इज अ ब्लेसिंग कोर्स। और मैंने ये कोर्स कहीं से नहीं किया। आई एम द फाउंडर ऑफ हीलिंग मॉन्क। इट इज अ चैनल कोर्स बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। दैट मींस लॉर्ड बुद्धा ने खुद आके ये इसकी चैनलिंग कराई है, कोर्स दिया है, अपने लेक्चर्स लिखवाए हैं। और उसको जब हमने, जब उसको पढ़ते थे, तो वो पूरा एक टॉपिक बन जाता था। इसी तरीके से ये जर्नी 14-15 साल से चल रही है, एंड नाउ अब ये एक कोर्स के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, विच इज वेरी सिंपल। एंड वो चाहते हैं कि हर पर्सन इसको सीखे, और हर पर्सन अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी को पा सके, और वो हर चीज पा सके जो वो चाहता है। इसमें हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ अच्छा होता है, क्योंकि जो हम देते हैं वो ही कई गुना हमारे पास वापस आता है। अब बुद्धा जी ने किन किन पावर्स को गेन किया, उनको हम जानते हैं। पावर्स लाइक पावर ओवर लाइफ मींस दे कैन चूज टू रिलिंग्विश देयर लाइफ इफ दे चूज टू रिमेन लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। पावर ओवर माइंड, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स को कॉन्कर किया, सॉरी। पावर ओवर मटीरियल थिंग्स मीन्स दे कैन मटेरियलाइज द रिचेज ऑफ द गॉड्स। तो जितने भी रिचेज हैं लाइफ में, यानी कि अब जब आप इस अर्थ पे हैं, तो आपको फाइनेंसेस, गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ भी चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो अबंडन। ये सब भी उन पावर्स को गेन किया, और आप भी गेन कर सकते हो। पावर ओवर एक्शन मीन्स दे हैव द पावर टू डू वट एवर मस्ट बी डन और वट एवर दे विश। जो भी आप चाहो वो पा सको, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर बर्ड्स मीन्स जितनी बॉडी में सेल्स हैं, उतने अपने आप को
वो डिवाइड कर सकते हैं, जो जो लोग उनको कॉल करे वो उनके पास जा सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया। डिसाइपल की एस्पिरेशन यानी कि जो स्टूडेंट है उनका, स्टूडेंट की भी इच्छाओं को पूरा करने की पावर्स को गेन किया। पावर ओवर प्रेयर्स मींस दे कैन परफेक्टली फुलफिल व्हाटएवर प्रेयर्स आर मेड। जो भी प्रेयर आप करते हो वो वेस्ट ना जाए, जो भी आप एफर्ट करो वो वेस्ट ना जाए, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर धर्मा मींस दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द डिसाइपल। हर स्टूडेंट अलग तरीके से सीखता है, तो उन पावर्स को गेन किया कि किसको किस तरीके से टीचिंग देनी है, जिससे एक्सेलेंट टीचिंग की पावर्स को गेन किया। पावर ओवर विजडम मीन्स दे पोजेस द ग्रेट विजडम विच नोज विदाउट अटैचमेंट और हिंट्रेंस। एक डिटैच अटैचमेंट, जैसे उन्होंने फर्स्ट संदेश में बताया, तो उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हील कर सकते हैं विदाउट अटैचमेंट और विदाउट एनी हिंड्रेंस। पावर ओवर मिरेकल्स मीन्स दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज। तो जो भी वो मिरेकल चूज करें उसको वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। ये सब पावर्स को गेन किया, तो बुद्धा जी ने ये सब पावर्स को गेन किया। नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोज पावर्स। आपको कहीं पर नहीं जाना, कहीं साधु संत नहीं बनना, हिमालयस पे नहीं जाना, सिटिंग वट एवर यू आर डूइंग, सिटिंग इन द मिड्स ऑफ योर फैमिलीज, डूइंग वट एवर जॉब बिजनेस वट एवर यू आर डूइंग, इवन हाउसवाइफ प्रोफेशनल्स जो भी आप करते हो यू कैन डू, एंड जस्ट अपने टाइम में से 24 आवर्स में से कुछ टाइम आपको हीलिंग मॉन्क को देना है। 11 डेज क्लासेस, 1-1 आवर की क्लासेस होती है, उनको अटेंड करना है, और ड्यूरिंग द क्लासेस ही यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। 2nd-3rd day में ही आपको दिखने लग जाएगा। एंड 11 डेज का कोर्स है, और उसके बाद 21 डेज की प्रैक्टिस है, तो उसको आपको, अगर आपने उसको रिलीजियसली फॉलो कर दिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। माइंड माई वर्ड्स, देयर इज नो लुकिंग बैक। The healing monk, this is a wonderful healing technique that has never been exposed to us before. Before today, it was found only with the great siddhas, mahatmas, sadhus, or only in the books. Introduction: The healing monk, who is Siddharth Gautama? Why is he called Buddha? His achievements in his whole journey, ye sab hum seekhenge. The Noble Truths, Perspects of Living a Positive Life, Ashtang Mark, Power of Meditation, Powerful Dhyan Mudra, Importance of Buddha Fire, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत पावरफुल है, डिटॉक्स हो जाती है हमारी फुल बॉडी और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलती है। पावरफुल ध्यान मुद्रा हम इसमें सीखेंगे, 3 मुद्रा सीखेंगे जिससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यान लगने लग जाएगा, जो कि बुद्धा जी की मुद्राज हैं, बेसिक मुद्राज, उसे से ही बहुत पावर आपको मिलने लग जाएगी। नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, इंपॉर्टेंस क्यों है स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस की। बहुत सारे आपने स्पिरिचुअल गुरुज को सुना होगा, सिर्फ हमें यूनिवर्सल एनर्जी चाहिए, हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, बट व्हेन वी आर इन दिस वर्ल्ड हमारे लोअर 3 चक्रास भी हैं। जो हायर एनर्जीज होती हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, उनके लोअर 3 चक्रास नहीं होते, दैट इज रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस, यानी कि हेल्थ, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप, जो कि कभी भी किसी का भी बैलेंस नहीं होता। हम इस लाइफ में आए हैं इनको बैलेंस करने के लिए। अगर आपके पास फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड होगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं तो हेल्थ डिस्टर्ब होगी, हेल्थ बहुत अच्छी है, मनी बहुत अच्छा है तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड होगी, डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा, क्वारल्स होगी। ये कहीं ना कहीं हर जगह, आप किसी को भी देख लो, हर जगह ये जरूर आपको प्रॉब्लम मिलेगी। या तो 3 डिस्टर्ब होंगे, 2 डिस्टर्ब होंगे, 1 डिस्टर्ब जरूर होगा, बिकॉज हम अर्थ पे ही आए हैं इन 3 लोअर चक्रास को स्पेशली बैलेंस करने। तो हम जब हीलिंग मॉन्क के साथ, एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम बहुत अच्छे से, अब सिर्फ अगर हम लोअर चक्रास पे ध्यान लगाएंगे तो हम ग्रीडी हो जाएंगे, तो हमें स्पिरिचुअल यानी कि अपर चक्रास के साथ, लोअर के साथ कैसे एक बैलेंस बनाना है वो हम इसमें सीखेंगे। एंड इट इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। कुंडलिनी एनर्जी क्या है, इसको कैसे अवेकन करना है, पावरफुल मंत्रा सीखेंगे, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अदर्स हीलिंग, अर्थ हीलिंग, हम ये सब कुछ इसके अंदर सीखेंगे इन लेवल 1 ओनली। अट्यूनमेंट होगा आपका एंड हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग एंड मच मोर। और भी बहुत सारी चीजें इसमें आप सीखने वाले हैं। 1st of May से क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी।
किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं नेम बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सी यू ऑल ऑन 1st of May इन द हीलिंग मॉन्क क्लासेस। स्मृति, yeah, you can unmute yourself. Yeah, ma'am, my question is that कि ma'am, you told कि जब भी आपका ये हो रहा होता है चक्रा के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हो, तो आपने जैसे बोला बुद्धा जी ने ही लाइक वो उन्होंने कई टेस्ट पास करे थे कि हमारे ऐसे टेस्ट तो नहीं होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आप फिर आपकी मेडिटेशन छोड़ देते हैं बीच में, आप घबरा के मेडिटेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि कितनी बारी मैंने ऐसा मेडिटेशन शुरू किया और कितनी बारी आपकी बॉडी के ऊपर इश्यूज होने शुरू हो गए, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होने शुरू हो गए, तो फिर मैं क्रिस्टल्स रख रख के मैं अपनी हीलिंग करती थी, तो आपके इस कोर्स में तो नहीं ऐसा कुछ होगा? स्मृति जी नहीं, देखो स्मृति जी ऐसा नहीं होगा, एक जनरल होता है सबके साथ जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, बट इसीलिए ना हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि जब जैसे आपने कोर्स एनरोल करा, आपने क्लासेस करी, आप अपने आप को अनम्यूट करके, जैसे आपने अभी अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो इवन आफ्टर द 11 डेज, तो हमारी ना जनरली ये क्लासेस होती रहती है, मंथ में ट्वाइस होती है, तो यू कैन रिपीट फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल 1। जो भी लेवल आपने एनरोल करा है ना, आप उसमें आ सकते हो, ग्रुप में क्लास में आ सकते हो, और आपको बाय चांस कोई इशू है, अकेले नहीं बैठा जा रहा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम घर में एकदम से हमारा ध्यान नहीं लगता, जब हम आपके साथ करते हैं क्लास में तो हमारा ध्यान लग जाता है, तो आप क्लासेस में आके उसको क्लियर कर सकते हो, और टेस्ट बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो होंगे, बट ऐसा कोई एडिशनल नहीं होगा, प्लस इट्स अ ब्लेसिंग, तो वो जो टेस्ट है ना वो भी कम हो जाएंगे, और उसको और कम कैसे करना है, हीलिंग क्राइसिस तो हो सकता है तो उसको कैसे कम करना है वो भी हम आपको टेक्निक्स बताएंगे। और मैम जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको हमें क्या रिकॉर्डिंग क्लास मिल सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस? रिकॉर्डेड क्लासेस आपको बताया है ऑलरेडी मिलेगी आपको, ठीक है, वो बोनस में है आपका, वो मिलेगी ही। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। अनीता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, नमस्ते मैम। तो मैम मैंने थोड़ा अभी लेट से ज्वाइन किया था, तो मैम मैं यही पूछना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे हो कि चक्र जो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे मेरे नाभि के चारों ओर ना दर्द होता रहता है, तो थोड़ा ध्यान लगाती थी जैसे मैं, और उसके बाद क्या होता है मैम जैसे ड्रीम आते हैं वो भी थोड़े धुंधले दिखते हैं, और प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि हर शरीर में पेन है, मतलब पैर में, हाथ में, सर में, मतलब रोज रोज एक नई बीमारी शुरू होती रहती है, तो यही सब चीजें जब हम ये हमारे जो चक्र एक्टिवेट होंगे तो क्या ये सारी बीमारियां चली जाएंगी? बिल्कुल, जितने भी अगर हमारे चक्रास एक्टिवेट हो गए सारे, तो हमारी सारे इश्यूज चले जाएंगे, साथ में कुंडलिनी अवेकनिंग होगी, तो प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं, वो चली जाएगी। ओके मैम, तो इसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे मैम? इसका 1111 प्लस GST आपको पे करना, दैट्स इट, और आपके ग्रुप में भी लिंक आ गया होगा, एंड आप अपने काउंसलर से जिनसे आपकी बात हुई है उनसे भी आप बात करके पूछ सकते हैं सारी डिटेल। ओके मैम, और ये कितने दिनों की क्लासेस होंगी मैम? 11 डेज। 11 days. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. और किसी का कोई question, query, जो कुछ पूछना चाहता है? मैम ये आपकी सारी की सारी का सटल बॉडीज के ऊपर भी वर्क करता है, लाइक ओरा एंड ऑल दैट। ओरा? हाँ जी, जी मैम, आजकल ओरा, ओरा क्लीनिंग और ओरा के ऊपर भी तो बहुत ज्यादा वर्क लोग करने के लिए कहते हैं कि आप अपना ओरा भी ठीक करो, तो लाइक यही से अगर आप चक्रा ठीक करो, ओरा पे तो वर्क होगा ही, ओरा पे, चक्रास पे वो तो वर्क होगा, उसके बिना तो एनर्जी कैसे क्लियर होगी? ओरा बेसिकली क्या है, हम सबका एक तेज होता है, हम सबकी एक एनर्जी होती है, जैसे हम गॉड गॉडेस के पीछे देखते हैं एक राउंड सर्कल होता है ना येलो कलर का, दैट इज ओरा, दैट इज आर एनर्जी, तो हम सबका भी एक ओरा है, ठीक है, और जब हम हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, हीलिंग से पहले एनर्जी से पहले एनर्जी अलग होती है, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं उसके बाद एनर्जी अलग होती है, तो जब हम हीलिंग करते हैं ना अपने चक्रास को क्लियर कर रहे हैं, जैसे जैसे वो एनर्जी लाइक वो ओवरफ्लो होती है तो वो हमारे ऑरा में आ जाती है, तो ऑरा तो इंक्रीज होगा ही, ऑरा तो बेटर होगा ही, वो तो बाय डिफॉल्ट होगा। और मैम जैसे आपने ये बोला कि जैसे 11 डेज के अंदर फर्क दिखना शुरू हो जाता है, तो 11 डेज का जो फर्क दिखेगा वो किस तरह का फर्क होगा बेसिकली मैं
थोड़ा सा जानना चाहते थे। देखो फर्क तो आपको सेकंड डे से ही दिखने लग जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे जो जो चीजें आपको क्लास में बताई जाएंगी वो होने लग जाएंगी। अगर किसी को नींद नहीं आती तो वो सेकंड डे थर्ड डे से ही बोलने लग जाते हैं कि मैम रात को बड़ी साउंड स्लीप आई, जो लोग इवन पिल्स लेते हैं, ठीक है। और आपको बुद्धा जी के भी दर्शन हो सकते हैं, उनसे कोई मैसेज भी आ सकता है, आप हैप्पी रहने लग जाओगे। और जो आपके इश्यूज है ना, जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हो, वो आपको खुद दिखेंगे, सॉल्व होने लग जाएंगे। लाइक एक स्टूडेंट ने एनरोल करा था, उसको जॉब का इशू था, और कहती जैसे ही मैम मैंने 111 पे किया, मेरे जॉब का कॉल आ गया दैट यू आर सिलेक्टेड। राइट, सो इट इज दैट मिरेकल। मैम सारी चीजें क्लियर हो रही है, बट एक चीज ये मुझे इस चीज से बहुत डर लग रहा है बेसिकली, ये जो आप कह रहे हो ना कि जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, तो ये बहुत इश्यूज नहीं हो जाते, इश्यूज नहीं होते, हीलिंग क्राइसिस हो सकती है। हीलिंग क्राइसिस क्या है, जब हम डीपर लेवल से हीलिंग करते हैं, लाइक जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमें वॉमिटिंग आ जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, हेडेक हो जाता है, वो हो सकता है। उसके लिए भी आपको अलग से मेडिटेशन दी जाएगी जिससे कि वो आपको वो फील ना हो। कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि कोई हेल्थ इशू, मेजर कोई हेल्थ इशू हो जाएगा, रिलेशनशिप इशू, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिस इज अ वेरी सबटल सॉफ्ट एनर्जी कोर्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप फॉलो करते जाओगे ना, यू विल सी इम्प्रूवमेंट, दैट्स इट। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं होगा। ओके ओके मैम, थैंक यू सो वेरी मच। ड्रीम कर्व्स बॉडी, मैम प्लीज सेंड मी पीडीएफ। व्हिच पीडीएफ यू आर आस्किंग फॉर? एंड मंडे आई विल ट्रांसफर। ओके कीर्ति, थैंक्स दीदी, थैंक्स ओम बुद्धा, बुद्धा जी ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, वेलकम टू यू ऑल। स्मृति, एनी क्वेश्चंस? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, वील मीट ऑन फर्स्ट। थैंक यू सो मच, ओम बुद्धा एवरीवन।